हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आपको पता है कि इंडियन मार्केट में अभी 125 बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते जा रही है। इसका रीज़न ये है क्योंकि लोग 125 को ज़्यादा इसलिए पसंद करते हैं दोस्तों कि ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी बाइक और काफ़ी परफेक्ट बाइक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इसका प्राइस, अगर आप देखेंगे माइलेज, पावर, लुक देखेंगे तो सारी चीज़ आपको इसमें काफ़ी वर्थ देखने को मिलती है। देखिए इसमें आपको माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। बाइक में दोस्तों जो प्राइस रहता है वो भी काफ़ी वर्थ रहता है। प्राइस थोड़ा कम आपको देखने को मिलेगा M2 से। प्लस दोस्तों आप लोगों को बाइक में पावर भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो बाइक्स है 125 सेगमेंट वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है और देख पा रहे हैं कि इसकी जो सेलिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी एंट्री होने वाली TVS अपाचे RTR 125 की। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों यही बात करने वाले कि बाइक कब तक आ सकती है, लॉन्च डेट क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ आपको कंप्लीट आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ये दोस्तों आपके भाई का नया चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और थोड़ा सा भाई शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं RTR 125 के बारे में। तो उम्मीद करते हैं जो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं RTR 125 के डिज़ाइन के बारे में कि बाइक का जो डिज़ाइन है वो कैसा होने वाला है। देखिए आपको बताना चाहूँगा कि बाइक जो है ना वो अपनी अपाचे RTR 164V से इंस्पायर्ड होने वाली है। लुकिंग वाइज आपको ऑलमोस्ट उसी की तरह देखने को मिलेगी क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोस्तों अपाचे RTR 164V इनका जो मतलब एक डिज़ाइन है TVS का वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिज़ाइन है। लोगों ने उस डिज़ाइन को काफ़ी पसंद किया है क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी अच्छी भी लगती है, काफ़ी एरोडायनामिक भी है और फीचर्स में भी तो आपको पता है कि काफ़ी सारे फीचर्स आपको उसमें देखने को मिल ही जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको बाइक में मिलेंगे। मेन मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए दोस्तों बाइक में आपको सबसे पहले इंजन टाइप में सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयरकूल इंजन आपको बाइक में देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों ऑब्वियसली बात है कि 125 का इंजन है तो एयरकूल आएगा, ऑयल कूल इंजन आने के चांसेस बहुत कम है भाई, वो फिर बाइक का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है उस रीज़न से। अगर दोस्तों बात करें पावर के बारे में तो मैक्सिमम पावर में लगभग 12 PS के आसपास का पावर देखने को मिल सकता है, 12 से 12.5 के आसपास का। और मैक्सिमम टॉर्क में भी आपको लगभग 12 का इंटरमीटेंट टॉर्क जो है वो आपको बाइक में देखने को मिल सकता है। मतलब पावर एंड टॉर्क आपको 125 सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बाइक में आपको नंबर ऑफ 5 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलेंगे, 5 गियर के साथ में आएगी। वेट मल्टीप्लेट क्लच आपको बाइक में देखने को मिलने वाले हैं। साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि बाइक में आपको एयरकूल इंजन विथ 4-वॉल्व इंजन देखने को मिलेगा। 4-वॉल्व इंजन होने की वजह से बाइक की जो परफॉर्मेंस रहेगी वो आपको काफ़ी नेक्स्ट लेवल वाली देखने को मिल जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है इस बाइक को लेकर। और अगर बात करें इसके माइलेज के बारे में दोस्तों तो कहा जा रहा है कि मतलब जिस हिसाब से बाइक का पावर है उस हिसाब से आपको ऑलमोस्ट 45 से 50 के आसपास का जो माइलेज है इजिली निकाल कर दे देगी ये बाइक। तो बात करें इसकी फीचर्स के बारे में, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो बाइक में दोस्तों आप लोगों को सेम वही TFT डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है जो कि आपको पता है कि राइडर 125 में लास्ट टाइम TVS की तरफ से आया था, जो कि TFT कलर आता है और बहुत ही प्यारा लगता है। वो सेम आपको डिस्प्ले इस बाइक में देखने को मिलेगा। फीचर्स उसमें काफ़ी सारे आते हैं जैसे कि टेकोमीटर हो गया, RPM मीटर हो गया, लो ऑयल इंडिकेटर हो गया, लो बैटरी इंडिकेटर हो गया, इंजन मालफंक्शन लाइट हो गई, गियर इंडिकेटर हो गया, सर्विस रिमाइंडर हो गया, ये सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एक प्लस पॉइंट ये भी कि बाइक में आपको मोबाइल कनेक्टिविटी भी दिया जाएगा 110%। प्लस दोस्तों इस बाइक में आपको राइडिंग मोड्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे आपको पता है कि एंटॉर्क 125 में भी TVS ने राइडिंग मोड्स दिया है तो ऑब्वियसली बात है भाई ये तो बाइक है तो राइडिंग मोड जरूर आपको बाइक में मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तो फ्रंट में आपको बाइक में जो लाइट मिलने वाली है वो काफ़ी प्यारी होगी। इसमें आपको फुली LED DRL लाइट भी मिलेगा, साथ में आपको फुली LED लाइट भी देखने को मिलेगा। मतलब मेन लाइट भी आपको फुली LED सेटअप में देखने को मिलेगी जो कि व्हाइट लाइट होने वाली है। और आपको पता है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेटर लाइट्स आपको यहाँ पे TVS की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। बात करें सस्पेंशन के बारे में, फ्रंट में आपको बाइक में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी प्यारे होने वाले हैं। रियर में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर बाइक में देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों बाइक के टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में। टायर साइज में अगर बात करें तो ऑब्वियसली बात है जो ब्रांड रहेगा वो TVS का ही रहेगा, TVS खुद अपना टायर बनाता है। फ्रंट में आपको लगभग 90-90 के आसपास के टायर देखने को मिल सकते हैं, जो 90-90 के टायर फ्रंट में। रियर में आपको बाइक में मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है 110-80 के आसपास के टायर देखने को मिल सकते हैं। वही दोस्तों बात कर ले बाइक की ब्रेकिंग के बारे में, तो ब्रेकिंग में दोस्तों एक चीज़ सामने आ रही है कि बाइक में आपको सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल सकता है। देखिए अगर सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम आता है तो इंडियन मार्केट में एक दूसरी ऐसी बाइक होगी जिसमें आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए आपको पता है कि इंडियन मार्केट में अभी तक KTM के सिवा किसी और बाइक में ये चीज़ नहीं आती, तो उसके चांसेस है कि आपको ये बाइक में देखने को मिल सकते हैं।
बात कर लेते हैं दोस्तों बाइक की लॉन्च डेट के बारे में, प्राइस के बारे में। प्राइस के बारे में बात करें दोस्तों तो कहा जा रहा है कि बाइक का जो एक्सशोरूम प्राइस है वो लगभग आपको देखने को मिल सकता है मेरे हिसाब से 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए के आसपास की एक्सशोरूम प्राइस देखने को मिल सकती है। और अगर दोस्तों बात करें ऑन रोड प्राइस तो वही 1.15 के आसपास की ऑन रोड जाएगी। एंड वही दोस्तों बात कर ले बाइक की लॉन्च डेट के बारे में, तो कहा जा रहा है दोस्तों इस बाइक को इंडियन मार्केट में आने वाले नेक्स्ट 5 से 4 मंथ के अंदर लॉन्च किया जा सकता है TVS की तरफ से। अब देखते हैं दोस्तों कब तक ये बाइक लॉन्च होगी। मेरे हिसाब से बाइक अगर आती है तो भाई बहुत ही ज़्यादा लोग इसे पसंद करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज की इंटरेस्टिंग वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो नोटिफिकेशन में आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे अपडेट रह सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद। वंदे मातरम।